केक्स किसे पसंद नहीं होते, चाहे बच्चों से लेकर बड़े को देख लो, सबको केक्स बहुत पसंद आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं गौरी चुगानी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे ब्लिसफुल यू एंड माइंड। फ्रेंड्स, आज जो हम केक बनाने वाले हैं वो है चॉकलेट फज मार्बल केक। ये केक उसी टाइप से होता है जिस टाइप से आपने आइसक्रीम्स खाई होगी, चोको बार, जो कि सबकी फेवरेट होती है, अंदर से मिल्की एंड ऊपर से चॉकलेटी। सो फ्रेंड्स, ये भी केक उसी तरीके से रहता है, ऊपर से चॉकलेटी, लिटिल थोड़ा लाइट हार्ड क्रस्ट रहता है और अंदर से स्पॉन्जी जैसे केक होता है उसी तरीके से। अगर आप केक में बिगनर्स हैं, केक आपको नहीं बनाने आता और अगर आप चाहते हैं कि इस बार बर्थडे का केक आप अपने खुद के लिए खुद बनाएं, सो दिस इज द बेस्ट केक यू कैन मेक फॉर योर बर्थडे और एनी बर्थडे सेलिब्रेशन। क्योंकि इस केक में हम कुछ भी फ्रॉस्टिंग नहीं करने वाले हैं, मींस किसी भी हिसाब की कोई नोजल्स यूज नहीं होने वाली है, ना ही हम ओवन का यूज करेंगे। ये केक इस बार हम बनाएंगे कढ़ाई में। फ्रेंड, इस केक के थ्रू हम सीखेंगे कैसे बनाया जाता है केक के लिए प्रीमिक्स और इस प्रीमिक्स को यूज करके कैसे हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, चलिए फटाफट से चल लेते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं कैसे बनता है चॉकलेट फज मार्बल केक। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे बहुत अमेजिंग रेसिपीज हैं, छोले भटूरे हो गए, सेव खमनी हो गई एंड देयर आर मेनी अदर रेसिपीज व्हिच यू कैन इजीली एंजॉय ऑन माय चैनल। प्लीज चैनल पे विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड दोस्तों इस तरीके से बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने मैदा ले लिया है। चलिए अब ले लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, ये है 1/2 कप जितना शुगर है। ये पाउडर शुगर मैंने नहीं लिया है, नॉर्मल है 1/2 कप, ठीक है जी। चलिए जी, ये ऐड हो गया। अब ले लेते हैं ये 1/4 कप है, ये चोको पाउडर हमने ऐड कर लिया है, ये कोको पाउडर होता है। 1/2 टीस्पून के जितना मैंने बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वनीला एसेंस है, ये हम बाद में डालेंगे, अगर आपको पसंद है तो डालें। यहाँ पे मैंने स्किप किया है क्योंकि ऑलरेडी चॉकलेट हमने ऐड कर रखा है। चलिए जी फ्रेंड्स, ये देखिए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब देखिए ये है प्रीमिक्स, ये प्रीमिक्स है जो आप स्टोर करके बहुत लंबे टाइम तक एक बॉक्स में रख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें शुगर पाउडर फॉर्म में नहीं है और सारे इंग्रेडिएंट्स में जो मैदा है उसमें भी अभी लम्स है, तो हम क्या करेंगे ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छे से एक बार पीस लेंगे। चलिए जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आप देखिए मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब ये वाला जो प्रीमिक्स है ये आप लंबे टाइम तक एक किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं। जब भी आपको केक बनाना है, जस्ट आपको प्रीमिक्स उठाना है, पानी ऐड करना है, एसेंस ऐड करना है एंड यू आर डन। यहाँ ये देखिए मेरा ये प्रीमिक्स का बॉक्स है, मैंने इसमें डाल लिया है। अगर आपने पहले थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो मैंने 1/2 टीस्पून के आसपास थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था। चलिए जी, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे हम डाल के इस बॉक्स में रख लेते हैं एंड यू कैन स्टोर लाइफ लॉन्ग विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसको रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपली ही ऐसे ही लंबे टाइम तक रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने सीख लिया केक का प्रीमिक्स तो कैसे बनता है। चलिए अब इस केक प्रीमिक्स से हमें बेसिक जो चॉकलेट स्पॉन्ज केक होता है वो कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। यहाँ ये आप देख रहे होंगे ये ग्लास है जिसमें है ना सारे इंग्रेडिएंट्स ऊपर लिखे हुए हैं, शुगर लिखा हुआ है, रवा लिखा हुआ है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो, और उसमें मेजरमेंट्स भी लिखे हुए हैं। सो आप चाहें तो ये ग्लास ले सकते हैं, बहुत कम्फर्टेबल होता है, अब मार्केट में ये अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैं पानी ऐड कर रही हूँ, 140 ml के आसपास मेरा पानी लग चुका है इस केक को बैटर को एक अच्छा सा फ्लोई फॉर्म देने के लिए। यहाँ पे आप देखें तो 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने ये नेचुरल जो ऑयल होता है हमारा खाने वाला वेजिटेबल ऑयल वो ऐड कर लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है विनेगर, विनेगर आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पे ये मैं 1/2 टीस्पून के आसपास विनेगर ऐड करूँगी। विनेगर ऐड करने से हमारा केक का स्पॉन्ज जो होता है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है, प्लस बहुत ही हमारा केक स्पॉन्जी बनता है। चलिए जी फ्रेंड, मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैं पानी धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, आपने पानी एक साथ नहीं ऐड करना है, नहीं तो जो बैटर होगा उसमें लम्स जम जाएंगे। ये देखिए इस तरीके की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पानी कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ मुझे 140 ml लगा है, हो सकता है आपको 150 ml भी लगे, मगर आप कंसिस्टेंसी यही देख कर यही मेनटेन कीजिएगा। ये देखिए क्योंकि हमें एक डोम शेप क्रिएट करना है, सो मैंने ये इस तरीके का एक बाउल ले लिया है जिसका ये देखिए डोम शेप है, और यहाँ पे हम इस बाउल को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और ग्रीस कर लेंगे।
चलिए साहब यहाँ ये देखिए मेरा अच्छे से बाउल हो गया है ग्रीस। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये मैदा ले लिया है और इस तरीके से 1 टीस्पून के आसपास मैंने ऐड कर लिया है। और अब आपने क्या करना है, इस पूरे जो मैदा को अच्छे से घुमा लेना है इस ऑयल के ऊपर, ताकि ये देखिए स्टिक हो जाएगा और आपको पता पड़ जाएगा कहाँ पर हमारा ऑयल प्रॉपरली नहीं लगा है। इससे क्या होगा, हमारा जो स्टिक केक होता है वो स्टिक नहीं होता बॉटम से और हम इसको ठंडे होने पर ईजिली निकाल पाते हैं। ये एक्स्ट्रा जो है हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से रेडी हो गया। चलिए बैटर डाल लेते हैं फटाफट से। चलिए जी ये देखिए ये मेरा सारा बैटर मैंने ऐड कर लिया है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़ी कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें ऐसे रिंग रख लिया है और इसके ऊपर हम ये हमारा जो बैटर है वो रख लेंगे और इसको इस तरीके से कवर कर लेंगे। चलिए साहब अब इसे आपको विदाउट टचिंग 25 मिनट्स तो बेक होने देना है। चलिए फ्रेंड्स जब तक हमारा केक बेक होता है, यहाँ आप देखिए हाफ कप जितना मैंने क्रीम ले लिया है। अब इस क्रीम को हम कर लेंगे बीट। यहाँ पे ये देखिए 25 मिनट्स हो चुके हैं, ये टूथपिक में डाल के देख रही हूँ, देखिए बिल्कुल क्लीन आ रहा है। इस तरीके से आपको भी यहाँ नाइफ़ या टूथपिक से आपको चेक कर लेना है कि आपका केक अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। ये देखिए इस तरीके से मैंने केक अनमोल्ड कर लिया है और केक बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। ये केक नॉर्मल जो हमने ये चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाया है, ये एज अ टी टाइम केक भी आप बना सकते हैं। खाने में बहुत यमी लगता है बॉस, बहुत ही सॉफ्ट बन के हमारा केक रेडी हुआ है। ये देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने टर्न कर लिया है, अब ये बहुत स्पॉन्जी केक हमारा बन के रेडी हो चुका है साहब। फ्रेंड्स अब इस केक को बनाते वक्त मैंने कोई भी केक की एसेसरीज है वो यूज़ नहीं की है। देखिए इस तरीके से नाइफ है, ऐसे रखते हुए आप धीरे से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा नाइफ है जैसे इस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ, इस बड़े नाइफ से आप इसको अच्छे से 2 लेयर्स में काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने 2 पार्ट्स में हमारे केक को डिवाइड कर लिया है। केक बहुत सॉफ्ट बन के रेडी है। चलिए फ्रेंड्स केक को थोड़ा सा और सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पे पानी से हम इसको थोड़ा सा सोक करेंगे, या आप चाहें तो आप इसको सिरप से भी सोक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है हमारी क्रीम जो हमने बीट कर ली थी। चलिए विद द हेल्प ऑफ द पाइपिंग बैग ये हम इस जो क्रीम है इसको अच्छे से फैला लेते हैं। ये आप चाहें तो क्रीम को नाइफ से डायरेक्टली लेके भी स्प्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पे पाइपिंग बैग से क्रीम को स्प्रेड करने में फ़ायदा ये रहेगा जो हमारी क्रम कोटिंग होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो बेस्ट तरीका फ्रेंड्स यही है कि आप पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करें और इस तरीके से फैलाएँ तो क्रम कोटिंग नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर स्पैटुला नाइफ ले लिया है, आपके पास कोई भी नाइफ हो वो भी चलेगा। इस नाइफ से आपको थोड़ा सा इसको एंगल्ड फॉर्म में रख के क्रीम को इवन आउट कर लेना है कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ आप देखेंगे तो क्रीम इवन आउट हो चुकी है। अब मैंने जो हमारा दूसरा पैर था केक का वो रख लिया है, अब इसको भी पानी से सोक कर लेते हैं अच्छे से ताकि ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाए। और यहाँ पे मैंने वही क्रीम लगा ली है अच्छे से। और अब जो आपके पास नॉर्मल स्पैटुला होता है, अगर आपके पास जो पहला वाला जो मैंने स्पैटुला दिखा वो नहीं है तो इस स्पैटुला से भी आप इजीली केक को इवन आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्पैटुला से इवन आउट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ये स्क्रैपर ले लिया है। स्क्रैपर से हल्के हाथ से आपको रख के इसको अच्छे से इवन आउट कर लेना है। ज़्यादा फिनिशिंग हमें नहीं देनी है बिकॉज हम इसके ऊपर अभी चॉकलेट गनाश का फिलिंग ऐड करेंगे। यहाँ ये देखिए मिल्क चॉकलेट ले लिया है कंपाउंड और यहाँ पे ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड्स को मैंने 50-50 ग्राम्स में ले लिया है। कुछ इस तरीके से आपको ले लेना है एक स्टैंड एंड प्लेट। चलिए यहाँ पे ये देखिए ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, इसमें मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर लेती हूँ, नियर बाय 1/2 टीस्पून के आसपास। अगर बटर नहीं है तो 1 टेबलस्पून के आसपास आप एडिबल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने ओवन में मेल्ट कर लिया था इन दोनों को। इसी तरीके से बटर ऐड करके नियर बाय 30-40 सेकेंड्स आपने ओवन में रखना है, ये इस तरीके से अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों चॉकलेट कंपाउंड को हम मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब इस मिल्क कंपाउंड में हम डाल लेते हैं हमारा डार्क चॉकलेट, ये देखिए इस तरीके से हमने डार्क चॉकलेट को पूरा ऐड कर लिया है। अब छोटा सा काम करना है, आपने इसमें एक नाइफ बस डाल के एक बार स्वल कर देना है ताकि ये दोनों हल्का सा मिक्स हो जाए। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे जो केक था कम क्रम कोटिंग के बाद आपने फ्रिज में रख लेना था, ये मैंने फ्रिज में से अभी निकाला है 10-15 मिनट्स फ्रिज में रखने के बाद। ये देखिए आपने ऐसे ऐड कर लेना है जो चॉकलेट गनाश हमारा बन के रेडी हुआ था, ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हमारा जो नीचे का केक है वो है ठंडा और चॉकलेट गनाश हमारा है गरम। सो जैसे ही आप इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे तो ये एकदम इस तरीके से ठंडा हो जाएगा, मींस आपका जो चॉकलेट है वो इस तरीके से हार्ड हो जाएगा।
चलिए ये देखिए इस तरीके से हमारा ये केक बन के रेडी है। कुछ हमने इसमें अभी फ्रॉस्टिंग नहीं की है। ये देखिए मैंने जो हमारी केक प्लेट है उसमें डाल दिया है हमारे केक को। अब भाई केक तो बर्थडे में ऐसे तो अच्छा नहीं लगने वाला, तो थोड़ा सा तो हमें इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। सो उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग हल्का सा देने के लिए यहाँ पे मैं कोई भी नोज़ल नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये वही पाइपिंग बैग है जो हमने हमारे क्रीम ऐड करने के लिए यूज़ किया था, वही पाइपिंग बैग से मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो एक अच्छा सा लेयर बना रही हूँ और इस लेयर को हम इवन आउट करेंगे थ्रू स्क्रैपर। चलिए जी ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से मैं स्क्रैपर लगा रही हूँ और हमारी जो क्रीम है उसको इवन आउट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे केक को डेकोरेट करने के बहुत तरीके हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर मेल्टेड चॉकलेट हो वो भी आप हल्के हाथों से लगाकर और जो भी आपके पास स्प्रिंकलर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये फ्रॉस्टिंग यूज़ कर रही हूँ, मीन्स क्रीम यूज़ कर रही हूँ और मेरे केक को इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। ये आपके ऊपर है, अगर आपके पास फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप चॉकलेट को मेल्ट करके चॉकलेट जो गनाश होता है वो भी लगाकर हल्के हाथों से कॉर्नर्स पे जैसे मैंने यहाँ पे क्रीम लगाया है वैसे आप चॉकलेट गनाश लगाकर फिर उसके ऊपर जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मार्केट में आजकल बहुत डिफरेंट टाइप्स के बहुत ही अच्छे अच्छे स्प्रिंकलर्स अवेलेबल हैं। आप उन बहुत सारे स्प्रिंकलर्स को यूज़ करके अपने केक को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं मल्टी कलर भी यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के स्प्रिंकलर्स भी यूज़ करे हैं। सो घर में आपके पास जो भी स्प्रिंकलर्स अवेलेबल हों उससे आप अपने केक को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा केक डेकोरेट हुआ। सो फ्रेंड्स फाइनली देखिए इस तरीके से हमारा ये केक डेकोरेट हो चुका है और अब हम इसके टॉप पर थोड़ी सी टॉपिंग्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो चॉकलेट गनाश के थोड़े से ड्रॉप्स ऐड कीजिए फिर उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं स्प्रिंकलर्स, मगर मैं यहाँ पे अभी क्रीम से ही इसको टॉप अप कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा यहाँ पे हमने किसी हिसाब का ना ओवन यूज़ किया है ना किसी हिसाब का हमने नोजल्स यूज़ किया है, फिर भी बहुत अच्छे से गजब का केक हमारा बन के रेडी हुआ है। सो फ्रेंड्स अगर आप केक की रेसिपीज़ में बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किस तरीके से केक को डेकोरेट करना है क्या करना है, सो ये बहुत ही सिंपल केक है, आप चाहें तो बना सकते हैं जस्ट विद इन 20 to 25 minutes हार्डली। सो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल सा केक कुछ ही मिनटों में बन के रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल कम एफर्ट्स के साथ ये आप जो चॉकलेट फज मार्बल केक है इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों डार्क चॉकलेट लिए थे, आप चाहें तो व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट में बनाएंगे तो इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा क्लोजअप लुक में देख लेते हैं किस तरीके से हमारा एक केक रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही सिंपल केक विद मिरर इफेक्ट रेडी है बिल्कुल। सो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल सा केक है, कोई भी इसे इजीली बना सकता है। ये एक ऐसा केक है जिसमें हमने किसी हिसाब के कोई भी टूल्स यूज़ नहीं किए हैं। जैसे हमारी चोको बार होती है बाहर से हार्ड क्रस्ट होता है लिटिल और अंदर से बहुत ही मीन्स मिल्की होती है, उसी टाइप का हमारा ये केक रेडी हुआ है। बाहर से लिटिल हार्ड क्रस्ट रहेगा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हमारा ये केक होगा। सो गाइस बनाइए ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी एंड ज़रूर से शेयर कीजिएगा आपके रिव्यूज़ आपको ये केक कैसा लगा। सो फ्रेंड्स इस केक के थ्रू हम केक प्रीमिक्स बनाना सीख चुके हैं, हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाना सीख चुके हैं एंड चॉकलेट फज मार्बल केक भी बनाना सीख चुके हैं। सो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए साहब मिलती हूँ ऐसी ही कोई अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप रहिए मुझसे कनेक्टेड एंड रहिए स्टे ब्लिसफुल एंड स्टे हेल्दी।